हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिल्पी एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत प्यारा सा सॉन्ग जिसका टाइटल है असी ओही हाँ। असी ओही हाँ मतलब कौन है असी, मुझे नहीं पता। तो मतलब सॉन्ग देखेंगे तभी पता चलेगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को भी इतनी सी पसंद आती है तो बिना चैनल सब्सक्राइब के बिल्कुल भी मत जाइएगा। और एक रिक्वेस्ट छोटी सी और है कि अगर आपको लगता है कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट के जरिए आप मेरी वीडियो अपने फ्रेंड को, मतलब जो आपकी चार फ्रेंड है ना, केवल उनको शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट। असी ओही हां जिन्ना ने देश बदले, ननकाणा साहब दिता, पंजा साहब दिता, मोए भारत विच जिंदगी पाउण दे लई, ओ दिता ज़ुल्म ते रावी चनाब दिता, पर सिखां नूं बदले कुर्बानियां दे, हिंद वासियो की हिसाब दिता, ओ मोरां वालियां कोई नहीं दे सकिया, जो जो देश नूं देश पंजाब दिता, जो जो देश नूं देश पंजाब दिता। I'm not
होया के साथ खतरनाक लिरिक्स और बिल्कुल सच बोला उनकी जो एक एक लाइन थी ना यार, वो लाइन ऐसा लग रहा था अपने आप में एक इतिहास में जो घटा है ना, जो सिखों ने हमारे प्रति हमारे देश के प्रति जो बलिदान दिए ना, उनको शायद हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं, मिस क्या शायद भूलते ही चले जा रहे हैं। तो ये सॉन्ग उनको डेडिकेट था जो बोलते हैं कि सिख कहाँ से आ गए और सिख अपने देश की डिमांड करते हैं, सिख ने क्या किया है, जैसे मतलब उन जिन्होंने सिखों के प्रति 100 क्वेश्चन करे ना, उनका हर एक का ये रिप्लाई है ये सॉन्ग। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये सॉन्ग जरूर शेयर कीजिएगा और ख़ासतौर से उनको ज़रूर कीजिएगा जिनको आप समझते हैं कि उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है सिखों ने क्या क्या बलिदानियाँ दी हैं या क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। तो बहुत अच्छे से इन्होंने बताया और सच में एक लाइन इतना सच था ना कि बात तो सही है, जो इंसान ना शुरुआत से लगाकर आखिरी तक आपके साथ खड़ा रहता है, लोग उसी को ही गलत ठहरा रहे हैं। मतलब लोगों के मन में ना, लोगों ने ऐसा जहर घोल के रखा उनके प्रति या ऐसा टारगेट बना के रखा होगा इनको कि किसी भी तरीके से उनको उनकी नज़रों से, लोगों की नज़रों से गिराना है। तो जो हम जैसे उन्होंने कहा कि इतिहास जब से स्टार्ट हुआ ना, जब से हिंदुओं पे या किसी भी मतलब देश में रहने वाले जो लोग थे उन पर जब जुल्म हो रहा था ना, तो किसने उनका साथ दिया था उस टाइम और आज भी हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारी जो सैनिक हैं या हमारी जो आर्मी के लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे सिख जो हैं वही आते हैं। तो क्यों भाई, जो इंसान अपने देश के प्रति हमारी जानें दे रहा है वो इंसान हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है, हमारे देश का दुश्मन कैसे हो सकता है। वो तो यही हुआ ना कि आप खुद जानबूझ के उसे गलत ठहरा रहे हो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, सॉन्ग बहुत ही डीपली सच बोला उन्होंने, मतलब जैसे बोलते हैं ना गहराई के साथ सच बोलना, तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया और उनकी एक लाइन से मैं सहमत हूँ क्योंकि जो भी उन्होंने अपनी एक लाइन में बोला है ना बिल्कुल ट्रुथ है, बिल्कुल सच है। तो बहुत अच्छा लगा सॉन्ग, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ अपने व्हाट्सअप पे 4 लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, खासतौर से उनको जरूर शेयर कीजिएगा जिनको थोड़ा सा भी डाउट है सिखों के प्रति, प्लीज़ यार। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।